नमस्कार साथियों, आज मैं एक एनटीपीसी का जो ग्रुप डिस्कशन है, टेस्ट है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को निम्नलिखित में से किस नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है इलबरी वंश, मामूलक वंश, दास वंश और उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा गुलाम वंश को इन तीनों नामों से जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा डी। दूसरा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1205, 1206, 1207 या 1930? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। तीसरा है, गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए ऑप्शन है 82 वर्ष, 84 वर्ष, 88 वर्ष और 1930। तो गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक शासन किया था। गुलाम वंश किस सन से लेकर किस सन तक चला था, मतलब कब से लेकर कब तक चला था? तो 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1290 से 1327 या 1930। तो चूंकि 84 वर्ष का शासन था, तो 1206 और 1290 इसके बीच में गुलाम वंश का शासन था। किसे तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है? अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक और 1930। तो इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान कौन था? अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, 1930। तो दिल्ली का पहला जो तुर्क शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो इसका ऑप्शन है ताजुद्दीन और याल्दोज, इख्तियारुद्दीन, नसीरुद्दीन, कुबाचा या 1930। तो ताजुद्दीन याल्दोज ने ही पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के काजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है फखरुद्दीन, अजीज कुजी, ऑप्शन बी है अमीर गुल हसन, ऑप्शन सी है मोहम्मद सूफी और 1930। तो इसमें फखरुद्दीन अजीज कुजी कुतुबुद्दीन ऐबक के काजी का नाम था। कौन कुरान खां के समय से प्रसिद्ध था? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह और 1930। तो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने किसे शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मीर काफिर, इल्तुतमिश और 1930। तो 1930 में कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गोरी ने शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए है आगरा, दिल्ली, लाहौर और 1930। तो दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का ही गवर्नर था, सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये था मलिक, दूसरा सिपालसा, तीसरा लाखपक्ष और चौथा 1930। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो लाखपक्ष की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक राजाभिषेक किस सन में हुआ था? तो जैसा हम लोग पहले भी पढ़े 1206 में अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था।